उसपे वो बीजेपी कांग्रेस सपा बसपा सबको ले आकर के बॉलिंग कर रहे थे अपने हिसाब से, और वो सोच रहे थे क्लीन बोल्ड हम सबको करते चले जा रहे हैं। तो ये कोई बहुत अनहोनी चीज नहीं है, ये एक्सपेक्टेड चीज है, मैं इसको कोई नया नहीं मानता हूँ। एटलीस्ट मैं तो तैयार था इन सब चीजों के लिए। मैं जानता हूँ बीजेपी हर इलेक्शन में हर जगह ये करती है कि अपने पिच पे ले आके अपने प्रतिद्वंदियों को, क्योंकि अपने पिच पे आपके कुछ यूएसपी होते हैं, कुछ बेनिफिट होते हैं। अब्बा जान भाई जान की जो आप बात कर रहे हैं, मैं इसको चुनावी मुद्दा नहीं मानता हूँ, और क्यों नहीं होना चाहिए। नहीं, होना टेररिज्म की नहीं चाहिए। समस्या ग्लोबल समस्या है। नहीं, ग्लोबल समस्या तो वो है, ग्लोबल से भी ज्यादा समस्या अगर कोई हो सकती है वो समस्या है। मैं तो कहता हूं देश का भला करना है तो ये बंद कर दो। क्या बंद कर हाँ, दो? तो वो भाईजान अब्बा जान भी बंद नहीं, हो क्या बंद जाएगा। कर दो? वो आप समझ रहे नहीं हैं नहीं क्या मैं बंद बता कर रहा दो। हूं हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं, अब्बा भाई, जान और देखिए। भाईजान वहीं से शुरू होता है जो आप मुझे समझा रहे हैं। हाँ, नहीं तो नहीं 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 मैं आप ये आपको ग्लोबल बता रहा समस्या है हूं। ये तो मैं मानता हूं, लेकिन मिश्रा नहीं नहीं जी ये सुनिए, बताइए, आप मेरी मिश्रा जी ये बात बताइए कि सुन लीजिए। चुनाव चुनाव हो तो अब उसी पर रहा है ना, भाईजान अब्बा जान। क्या कब्रिस्तान पाकिस्तान पर नहीं हुआ? अरे चुनाव तो बहुत ये लोग गलत करते हैं जो केवल चुनाव में ये मुद्दा उठाते हैं। मैं तो बोलता हूँ टेररिज्म का मुद्दा हर दिन का मुद्दा होना चाहिए, जब तक कि ये खत्म ना हो जाए। न जाने कहां से, जहां देखो वहां की धरती पे, शहर में, गली में, मोहल्ले में, कभी अब्बा जान निकल करके बम फोड़ देते हैं, कभी भाई जान निकल के बम फोड़ देते हैं, कभी बुरके के भीतर। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, जनता त्रस्त है। शांति प्रिय लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान के हो, इससे त्रस्त है। आप मुझे ये बताइए, आपको बता दिया जाए कि एक चुनावी सभा में साइकिल पे बम रखा हुआ है, जाके कवरेज करेंगे, कौन जाएगा? या तो फट जाएगा तब जाएंगे, या दूर से ही रहेंगे। कौन आदमी टेररिज्म से परेशान नहीं है, चाहे पक्ष का नेता नहीं हो नहीं वो चाहे बात तो विपक्ष का सही नेता है, हो। लेकिन लेकिन आपको ये मालूम है ना कि आजकल वो स्वीट आतंकवादी भी चल रहा है, स्वीट आतंकवादी, और फिर शुगर फ्री आतंकवादी भी नहीं आएगा। देखिए, स्वीट हाँ, देखिए क्या है, वो शुगर कोटेड होते हैं, जो ऊपर से कोटेड स्वीटनिंग एजेंट कोटेड रहता है, लेकिन अंदर मसाला तो वही बारूद का भरा रहता है, वो और खतरनाक है। और जो खतरनाक। अंदर और बाहर मसाला सेम हो और ऊपर से बढ़िया शुगर हाँ, कोटिंग कर दी जाए, वो तो इतना खतरनाक होता है। इसीलिए तो मैं बोलता हूं, सुबह शाम उठते बैठते पहले अगर बात करनी है तो आतंकवाद के निर्मूलन की बात होनी चाहिए, पक्ष नहीं से सिर्फ लेके चुनाव। विपक्ष ओके, तक, देश से प्रमुख लेके साहब, प्रदेश तक। प्रमुख साहब, वो ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ चुनाव में ही एक बात क्यों करते हैं, आप रोज ये बात करिए ना, 80-20 रोज करा करिए। वो कह रहे हैं, मिश्रा जी कह रहे हैं ऐसे अस्सी काम नहीं बीस नहीं, चलेगा। आतंकवाद, अच्छा, आतंकवाद 80-20। अच्छा मैंने अच्छा 80-20 का नाम ही नहीं लिया, आपने चर्चा नहीं छेड़ी। अच्छा मैं चलिए ठीक। आतंकवाद की बात कर अच्छा रहा हूं, अब्बा आतंकवाद, जान मुझे भाई लगा जान आप की कह रहे कि बात 80-20। रोज होनी ओके चाहिए। ओके, मैं जी बहुत बहुत धन्यवाद चावला जी। इस तरह मैदान छोड़ चिल्ला, के भाग गए सपा वाले। नहीं कोई, हाँ वो अच्छा लग रहा है डर अखिलेश गए मिश्रा जी आपसे। मानते हैं कि भाजपा के हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, आपने नहीं अब नहीं हम आप नहीं मान मानते लेते हैं, आप मान जो लेते हो जो हर डिबेट पार्टी में। वाले, जो पार्टी वाले नहीं मैदान छोड़ के भाग गए तो अब उनको क्या नहीं बोलेंगे? ओके, सपा नहीं वाले आप हर मैदान डिबेट में छोड़ के बात, भाग गए थे? ओके कोई बात नहीं, ओके आप हैं तो बात करती आपको बोल हूँ रहे हैं कि मिश्रा जी। आपकी आप की है। मिश्रा जी, वो मैं एके मिश्रा की तरफ जाऊं, लेकिन अब उसी पर आ रहा हूं। एके मिश्रा जी, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होके बताइएगा सर, मतलब बिल्कुल निष्पक्ष। जो उनकी धारणा है, जो ये ऐसे लिखते हैं कि तीन तीन प्रवक्ता बिठा दिया आज बीजेपी के, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं इसलिए कि आप पक्ष और विपक्ष निष्पक्ष होकर बात करने वालों में से थे, मतलब हैं। मैं एक बात जानना चाह रहा था कि अगर राम मंदिर मुद्दा था तो बना क्यों नहीं, कब्रिस्तान मुद्दा था तो वो बना क्यों नहीं, हिजाब अगर मुद्दा था तो वो बना क्यों नहीं, ओवैसी अगर मुद्दा थे तो ओवैसी मुद्दा बने क्यों नहीं, 80-20 अगर मुद्दा था तो मुद्दा बना क्यों नहीं, क्या लगता है आपको? देखिए चावला जी, सबसे पहले हम राम मंदिर की बात कर लेते हैं। राम मंदिर का मुद्दा इस इलेक्शन में नहीं था, पिछले इलेक्शन में था, और कार्य समाप्ति हो जाने के बाद एक काम हो गया पूरा, तो अब उसको छोड़ करके आगे चलना है। ये तो भाईजान अब्बा जान वाली पार्टी होती है जो 1400 साल से एक ही मुद्दे पे पीछे पड़े हैं। 1400 साल से उनका मुद्दा पूरा नहीं हुआ है, गजवाए हिंद का मुद्दा नहीं पूरा हुआ नहीं, ये है, चुनाव में हिजाब मुद्दा क्यों का, नहीं बना हिजाब का। अरे अब हद हो गई, अब आप मुझे बोल लेने दीजिए मिश्रा जी? ना। मैं नहीं, आप तो मुझे 1400 साल, मैं कह रहा हूं ये मुद्दा बना क्यों नहीं अरे इस तो बार सुन चुनाव में, लीजिए ना, खाली आप क्यों चुनाव में आप रहिए बीच में ना, टोक रहे हैं? आप तो पता नहीं कहां पहुंच गए मैं चुनाव इतिहास की में। नहीं, मैं उदाहरण दे रहा नहीं, हूं। उदाहरण तब थोड़ा सा मुझे मुद्दा इसलिए नहीं, नहीं नहीं बना सीधा मुद्दे पे कि आइए। वो मुद्दा तब तक था, सुनिए, वो मुद्दा तब तक था जब तक राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ। एक काम हो गया, अब दूसरे काम पे हमें आगे बढ़ना है। अब दूसरा काम क्या है? हिजाब मुद्दा बनाना चाहा भाईजान लोगों ने,
उन लोगों का प्रयास असफल हो गया, हिजाब मुद्दा नहीं बन पाया। हालांकि वो 1400 साल से मुद्दा है। अच्छा, और बहुत सारी चीजें हैं, मुद्दे क्या बने, आप सुनिए मुद्दे क्या बने हैं। अगर आप बीजेपी की तरफ से मुद्दे सुनना चाहते हैं तो बीजेपी ने मुद्दा बनाया है सुरक्षा। प्रमुख साहब बता देंगे ना, प्रमुख साहब बता देंगे, आप क्यों सुरक्षा की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी ने जो मुद्दा बनाया वो भी मुद्दा नहीं बन पा रहा है। हाँ। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो 80% यानी आप ये कह रहे कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं बन पाया, मुद्दा बना रही है। आप कह रहे कि किसान आंदोलन, अपना मुद्दा बना, किसान आंदोलन और बेरोजगारी मुद्दा नहीं बन पाया। सर अब की बार मुद्दा 80% जनता बना रही है, ना टिकैत बना रहे हैं, ना किसान आंदोलन, ना हिजाब आंदोलन, ना बीजेपी बना रही है, ना सपा, ना बसपा, ना कांग्रेस। अब की बार मुद्दा 80% जनता बना रही है और 20% वाली जनता उसको बिगाड़ने पे लगी हुई है, वो हाशिए पर है। प्रमुख साहब आगे के लिए काम आएगा, ले लीजिएगा। अच्छा बोलते हैं मिश्रा जी। हाँ मिश्रा जी, मिश्रा जी बहुत बिल्कुल शानदार। अच्छा एक बात, वो अनुराग ठाकुर का बयान प्ले करेंगे। 80% जनता सर, इस देश की मिश्रा जी आगे बढ़ना चाहती है, जो काम हो गया उन मुद्दों को छोड़िए। मिश्रा जी मैं कह रहा हूँ, मुद्दा देखेंगे। मैं मिश्रा जी उनको समझा रहा था प्रमुख साहब को कि आगे से यही बोलना है। लोग पानी पी पी कर कोसते हैं, आप चाय पी पी कर रुकिए एक सेकंड, अभी अनुराग ठाकुर का बयान प्ले करेंगे। प्लीज मिश्रा जी, दूर है सर, नहीं तो आपको भी पिलाते। नहीं 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 सर, दिक्कत यह है कि नेताओं की चाय तो हमने कभी पी नहीं, आप मित्र हैं तो आपकी पी लेंगे। हम कहां नेता हैं सर, हमने कहा आपके, आपकी पी लेंगे, नेताओं की नहीं पीते हैं, बस नेताओं की कभी पीते हैं। स्वागत है आपका। ठीक, अब मैं जरा जो है ना, ये कहते हैं ना कि मैंने कहा ना कि कभी भी जाति को लेके, धर्म को लेके आतंक का कोई जाति धर्म नहीं है। तो आतंकवादी आतंकवादी सिर्फ होता है, उसको वैसे ही लेना चाहिए और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, कोई उसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, जो हमारे देश को चलाने वाले, 10 सेकंड मिश्रा जी, फिर उसके बाद कार्यक्रम वाइंड अप करो, 10 सेकंड जल्दी से। देखिए सवाल, मैम ने बोला कि भाई आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, जो 38 लोगों को फांसी दी गई है उनके नाम पढ़ लीजिए फोटो के साथ, आपको पता चल जाएगा क्या एक ही धर्म, एक ही तरीके के नाम। अरे बुरा क्यों लग रहा है मैम, जो अखबार में छपा है मैं वो बता रहा हूँ। आपका नाम बता दूं कि आपका नाम छपा है? नहीं, आप इतनी बड़ी नहीं, जब इतनी बड़ी समानता है कि धर्म विशेष के लोग एक दूसरे अपनी परसेप्शन क्या बनाएगा, आप मुझे बताइए। एक ही धर्म विशेष के लोग ऊपर से नीचे मेरी बात सुनिए पहले अगर मैं हत्या करूं तो क्या आप लोग पकड़ेंगे क्या? अगर मैं हत्या करूं तो ये मिश्रा है, क्या इनको पकड़ेंगे क्या? धर्म से आता है विकास, जितने दुबे हैं समझ लेंगे आप।